हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको क्विकली बताने वाली हूँ दही के 3 क्विक रायते। वेजिटेबल रायता के लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। यहाँ हमने लिया है प्याज, कटा हुआ टमाटर, थोड़ी सी क्यूक्यूम्बर यानी खीरा, थोड़ा सा हमने शक्कर ली है, शुगर, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा लिया है, क्यूमिन पाउडर, और उसके बाद यहाँ पे हमने सॉल्ट लिया है, ये हमारा कर्ड है, और ये हमारा थोड़ा सा पानी लिया है। तो अब हम फटाफट से इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बोल में मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, हमने तीनों वेजीज जो हमारे थे उन सबको मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे सॉल्ट और शुगर। शुगर ऑप्शनल है, मुझे थोड़ा पसंद है। अगर आप लोग नहीं डालना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये ले लिया है मैंने सॉल्ट, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। तो मैं इतना सा सॉल्ट इसमें यहाँ डाल देती हूँ। अब मैं डालूंगी इसके अंदर ये शुगर। अब हम डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर। अब बारी है हमारे मेन इंग्रेडिएंट जो कर्ड है, ये कर्ड मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। इसको मैंने मिक्स कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक मुझे लग रही है, मैं प्रेफर थोड़ा सा पतला रायता करती हूँ, इसलिए मैं हल्का सा इसके अंदर पानी डालूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग इसे यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाल दिया है और मैं इसे वापस से अब मिक्स कर लूँगी। देखिए, हमारा वेजिटेबल रायता एकदम तैयार है और ये बहुत टेस्टी है फ्रेंड्स। ट्रस्ट मी, ये बहुत हेल्दी भी होता है। गर्मियों के टाइम पे आपकी बॉडी में वेजीज भी जाते हैं और कर्ड भी जाता है, दोनों ही बहुत बेनिफिशियल होती है। तो अब हम नेक्स्ट रायते की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बहुत ही पॉपुलर रायता जो है वो है बूंदी का रायता। तो स्पेसिफिकली इसके लिए जो मैंने बूंदी लिए हैं वो मैं 10 सेकेंड के लिए पानी में बॉयल करती हूँ ताकि वो कुरकुरे रहना है, उसमें एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो कम हो जाए। दिस इज़ अगेन ऑप्शनल, आप चाहिए तो आप ऐसा रखिए, आप चाहिए तो आप डायरेक्टली कुरकुरे वाले यूज़ करिए। तो इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। सबसे पहले ये है बूंदी, थोड़ी सी लाल मिर्च, जीरा पाउडर, नमक, थोड़ा सा अगेन शक्कर, फिर से ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद आए तो आप डालें, अदर आप स्किप कर सकते हैं। दही और पानी, ये हमने बूंदी ले लिया है। अब हम उसमें डालेंगे स्पाइसेस हमारे। ये हमारा सॉल्ट, ये है हमारी शुगर, ये है हमारा जीरा पाउडर, और अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मुझे ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है इसलिए मैं डालती हूँ। एक और चीज़ आप चाहिए तो इसमें हरी मिर्च, जो कच्ची हरी मिर्च होती है वो भी डाल सकते हैं अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो। अब हम इसमें डालेंगे दही और वापस से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी। देखिए, हमारा रायता एकदम तैयार है, हमारा बूंदी का रायता तैयार है। अगला रायता है बीटरूट रायता यानी चुकंदर का रायता। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स हैं, हमने लिया है यहाँ पर घिसा हुआ बीटरूट, थोड़ा सा सॉल्ट, कर्ड और पानी। अब हम इन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं। ये हमने ले लिया है बीटरूट, अब हम इसके अंदर डालेंगे सॉल्ट, इतना बहुत होगा। अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारा कर्ड और हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए आप, ये इतना प्यारा पिंक कलर का हो जाता है ना, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगेन, अब आपको इसके अंदर अगर लगे कि पानी डालने की ज़रूरत है तो आप डालें, मुझे थोड़ी सी ज़रूरत लग रही है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और ये देखिए, हमारा बीटरूट का रायता एकदम तैयार है।